गाइस करते हैं आज हम चैप्टर नंबर 19 स्टार्ट। ये हमारा चैप्टर नंबर 19 है मीन एंड मीडियन। ये क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 19 है मीन एंड मीडियन। तो देखेंगे यहाँ पर मीन और मीडियन में हमें क्या करना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मीन की। तो मीन का मीन्स क्या होता है कि आपको क्या करना होता है, एवरेज फाइंड करना होता है। मीन का सिंपल मीनिंग है कि आपको क्या करना होता है, जो भी आपके पास नंबर्स हैं उन सभी का एवरेज बताना होता है। तो एवरेज बताने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मल हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारे पास क्वांटिटीज़ होती हैं उन सभी का सम कर देते हैं और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ कर देते हैं। देखो जो मीन होता है, मीन का सिंबल होता है इस तरीके से एक्स के, अगर कोई भी वैल्यू है एक्स के ऊपर अगर हम इस तरीके से बार लगा देते हैं तो ये मीन का सिंबल होता है। और यहाँ पर मीन किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा है मीन का सिंपल फॉर्मूला। इसी की हेल्प से आपको सभी मीनिंग मतलब मीन वैल्यू आपको फाइंड करनी है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेना है आपको। तो इसी को ही हम किस तरीके से दिखा सकते हैं, देखो जैसे हमारे पास कुछ नंबर्स हैं x1, x2, x3 and so on, x to the power n। तो आप क्या करोगे, अगर आपको यहाँ पर इसका मीन फाइंड करना है तो मीन फाइंड क्या करोगे, करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा आपको, x1 + x2 + x3 and so on xn। xn यहाँ पर n का मीन से यहाँ पर क्वांटिटीज़ हमारी, देखो यहाँ पर क्वांटिटीज़ हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारी यहाँ पर n का मीन से यहाँ पर 10 भी हो सकती है, 20 भी एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो जितनी भी ऑब्जर्वेशन होंगे जैसे लैड कर लेते हैं, यहाँ n के प्लेस पर 20 होता तो आप इससे डिवाइड करते हैं 20 से, लेकिन यहाँ पर n के प्लेस पर n है तो हम यहाँ पर n ऑब्जर्वेशन लेंगे। तो सिंपल इसका ये मीनिंग है। इसी को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं समीशन, जैसे हम समीशन में इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं कि मीन हमारा किसके इक्वल होगा, समीशन ऑफ, ये समीशन का सिंबल होता है। जैसे आपको लिखना है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या ले लेते हैं हम, xi ले लेते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाता है हमारा, यहाँ पर कितना हो जाता है, ये i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है और i की वैल्यू कहाँ तक जाती है, i की वैल्यू n तक जाती है। ओके, तो इसका मीन्स है कि आपको यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन है, जैसे आप यहाँ पर 1 लोगे तो 1, 2 लोगे तो 2, इन सभी का सम करना है। इस जो सिंबल होता है समीशन का होता है और ये सिंबल शो करता है कि यहाँ पर इन क्वांटिटीज़ का क्या है, सम करना है आपको और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करना है। तो अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर आप करोगे तो इसको डिवाइड बाय n कर सकते हो, या फिर यहाँ पर भी आप 1/n कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया है हमारा मीन। अब मीन की कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं यहाँ पर, तो प्रॉपर्टीज़ कैसे हैं यहाँ पर हमारे देखते हैं। जैसे प्रॉपर्टी वन आती है, ये बोलता है कि प्रॉपर्टी वन में हमारे पास क्या गिवन है कि इफ़ मीन एक्स बार इज द मीन ऑफ एन नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन x1, x2 and so on xn, देन द सम ऑफ द deviation of x mean from the observation x1, x2, x3, x4 and so on n is zero, तो हमारा क्या होगा कि अगर हम means का deviation लेते हैं तो उसका जो हमारी value आएगी वो zero आएगी। That means कि अगर आप क्या लेते हो, summation लेते हो और यहाँ पर x and x to the power bar लेते हो तो ये हमेशा zero आएगा। कि अगर आप all observation को minus करोगे यहाँ पर mean से तो उनका summation किसके equal आएगा, हमेशा zero के equal आएगा। ऐसा हम example में करेंगे भी, एक हम जैसे इसमें एक एग्जांपल भी दिया भी है यहाँ पर कि आपको कह रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट फाइव इवन नेचुरल नंबर का अगर आपको मीन फाइंड करना है यहाँ पर, फर्स्ट फाइव इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर क्या होंगे, 2, 4, 6, 8, 10, ये फर्स्ट फाइव इवन नेचुरल नंबर्स हैं, इनका मीन करेंगे अगर हम फाइंड तो क्या होगा, इन सभी को पहले हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, इन सभी को प्लस करेंगे और फिर उसी क्वांटिटी से इसको डिवाइड कर देंगे। कितनी क्वांटिटीज़ हैं, 5, तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका सिंपल मीन आ जाएगा। तो ये 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और ये 30, 30 डिवाइड बाय 5, तो ये आ जाएगा सिंपल इसका मीन आ जाएगा 6। अब मीन आ गया 6, तो अब इसका डेविएशन अगर हम फाइंड करते हैं तो आपको क्या करना होगा यहाँ पर, कि अगर आप यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ ले रहे हो, जैसे आप यहाँ पर वैल्यूज़ ले रहे हो, आप यहाँ पर ये वैल्यूज़ ले रहे हो, जैसे 2, 4, 6, ये है हमारी एक्स की वैल्यू, ये हमारी एक्स की वैल्यू। ओके, 2, 4, 6, 8 और 10। अब हम क्या ले लेते हैं, अगर यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, एक्स
माइनस एक्स मीन ले लेते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, देखो एक्स माइनस एक्स मीन करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, ये आएगा टू माइनस सिक्स। टू माइनस सिक्स कितना मिलेगा आपको, टू माइनस सिक्स कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपको माइनस फोर, ये माइनस फोर मिलेगा। फिर फोर माइनस सिक्स करोगे माइनस टू मिलेगा, फिर फोर सिक्स माइनस सिक्स करोगे ज़ीरो मिलेगा, यहाँ पर एट माइनस सिक्स करोगे तो क्या मिलेगा हमें, टू मिलेगा, और एट टेन माइनस सिक्स करोगे तो फोर मिलेगा। अब देखो ये प्लस का टू, अगर हम इनको ऐड करते हैं, ये समीशन का मीन्स यहाँ पर ये है, समीशन का मीन्स है कि आप इनको क्या करना है, आपको ऐड करना है, तो इनका आंसर हमेशा जीरो मिलेगा, ये प्लस का सिक्स और ये माइनस का सिक्स, और ये हो जाएगा जीरो अगर आप इनको ऐड करोगे तो। तो यही बताना चाह रहा है यहाँ पर ये, कि ये जो समीशन होता है हमारा, डेविएशन होता है, इसका आंसर हमेशा जीरो आता है। तो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम, प्रॉपर्टी सेकंड बोलती है कि अगर आपके पास n ऑब्जर्वेशंस हैं और आप उनका मीन फाइंड कर रहे हो, अगर आपके पास n ऑब्जर्वेशन है x x2 एंड सो ऑन x टू द पावर n और आप इसका मीन फाइंड कर रहे हो, तो अगर आप इन ऑब्जर्वेशन में, हर एक ऑब्जर्वेशन में, आप ईच ऑब्जर्वेशन में अगर आप कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू प्लस कर देते हो, कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू प्लस कर देते हो, तो इनका जो मीन आएगा ना, जो इनका रिजल्टिंग मीन आएगा, हम लेट करते हैं इन सभी ऑब्जर्वेशन का मीन क्या है हमारे पास, एक्स है, एक्स बार है, तो इन सभी ऑब्जर्वेशन का मीन क्या आएगा हमारा, कि आप क्या कर सकते हो, इनको अलग अलग ऐड करने के अलावा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इसमें मीन में ही ए ऐड कर दो आप, बिल्कुल आंसर सेम आएगा, ठीक है। इसका भी हम एग्जाम्पल लेंगे, जैसे हम ले लेते हैं क्या हमारा, कि हमारे पास फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स का क्या है हमारे पास, मीन फाइंड करना है हमें, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, इसका हमें मीन फाइंड करना है, ये फाइव से डिवाइड होगा अगर हम मीन फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, वन प्लस टू थ्री, थ्री थ्री सिक्स, सिक्स और फोर, सिक्स और फोर कितना हो जाएगा, टेन, टेन और फाइव फिफ्टीन, और ये हो जाएगा फिफ्टीन डिवाइड बाई फाइव, तो ये कितना हो जाएगा सिंपल, फाइव थ्री ज़ा 15। अब ये कह रहा है कि अगर आप ईच ऑब्जर्वेशन में कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू ऐड करते हो, तो जिनका रिजल्टिंग मीन आएगा उसमें आप क्या कर दो, कि अपने जो प्रीवियस मीन है उसी में ही आप वो कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई कर दो। जैसे हम ऐड करते हैं कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, हर एक ऑब्जर्वेशन में, हर एक ऑब्जर्वेशन में टू ऐड कर रहे हैं, हर एक ऑब्जर्वेशन में टू ऐड कर रहे हैं, तो इनका जो रिजल्टिंग मीन आएगा ना, वो किसके इक्वल आएगा, अगर आप मीन में वो कॉन्स्टेंट वैल्यू प्लस कर देते हो, कैसे, मीन्स इसका मीन्स क्या है, यहाँ पर थ्री प्लस टू है और यहाँ पर फोर प्लस टू है, यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू टू हम इसमें ऐड कर रहे हैं, तो इनका जो रिजल्टिंग मीन आएगा ना, तो आप इसी में अगर आप टू ऐड कर दे तो वही आएगा सेम, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, फाइव प्लस टू कर सकते हो और डिवाइड बाय ऑब्जर्वेशन अभी भी फाइव ही है ये, तो जो न्यू मीन आएगा हमारा वो कितना आएगा, वो आएगा ये पहला मीन आया था हमारा थ्री, अब आएगा न्यू मीन हमारा थ्री प्लस टू फाइव, कैसे आप देख भी सकते हो, ये कितना हो जाएगा थ्री, ये कितना हो जाएगा फोर, ये कितना हो जाएगा फाइव, ये कितना हो जाएगा सिक्स, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा सेवन डिवाइड बाय फाइव, सेवन सेवन फाइव ट्वेल्व, ट्वेल्व और सिक्स, ट्वेल्व और सिक्स एट्टीन, एट्टीन और सेवन ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाय फाइव करोगे देखो रिजल्टिंग मीन कितना आ गया फाइव। तो आपको अलग अलग सभी वैल्यूज़ में, सभी आपको अलग अलग टर्म्स में आपको वो कॉन्स्टेंट प्लस करने की कोई नीड नहीं है, आप डायरेक्टली क्या करो, जो आपका प्रीवियस मीन है उसी में ही आप वो कॉन्स्टेंट प्लस कर दो, वही सेम आंसर आएगा, ये है इसका मीनिंग, ठीक है प्रॉपर्टी सेकंड का। ऐसे ही सेम प्रॉपर्टी थर्ड है यहाँ पर, कि प्रॉपर्टी थर्ड में कहता है कि अगर आप ईच टर्म्स में क्या कर देते हो, माइनस कर देते हो, कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म माइनस कर देते हो, जैसे यहाँ पर ये मीन दिया है कितने नंबर्स का, ये मीन्स दिया है आपको एन नंबर्स का, तो इसमें से अगर आप हर एक एक कांस्टेंट वैल्यू क्या कर देते हो, माइनस कर देते हो, एक कांस्टेंट वैल्यू माइनस कर देते हो सभी टर्म में से, सभी टर्म में से कांस्टेंट वैल्यू माइनस कर देते हो, तो इसका रिजल्टिंग जो मीन आएगा ना, वो रिजल्टिंग मीन किसके इक्वल आएगा, वो रिजल्टिंग मीन किसके इक्वल आएगा हमारा, इसका जो रिजल्टिंग मीन है वो किसके इक्वल आएगा, जो प्रीवियस मीन है उसमें आप क्या कर दो, प्रीवियस मीन है उसमें आप क्या कर दो, जो ओरिजिनल मीन है हमारा मीन वैल्यू उसमें आप ए माइनस कर दो, तो बिल्कुल सेम आंसर आएगा। ऐसे ही प्रॉपर्टी फोर्थ है इसमें, प्रॉपर्टी फोर्थ में भी आप कह रहा है कि इससे, कि अगर आप एक कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करते हो ईच टर्म में, ईच टर्म में अगर आप किसी कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई करते हो, जैसे एक्स, ये हमारे पास एक्स एन, एक्स टू, एक्स एन, ये नंबर से इनका मीन दे रखा है आपको एक्स बार, तो अगर आप ईच क्वांटिटी में एक ही क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ईच क्वांटिटी में एक ही मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इसका रिजल्टिंग जो मीन आएगा वो मीन में ही आप क्या कर दो, एक ही मल्टीप्लाई कर दो सिंपल। ऐसे ही यहाँ पर फिफ्थ प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप डिवाइड करते हो किसी सेम क्वांटिटी से,
अगर आप सेम क्वांटिटी से सभी को डिवाइड कर देते हो, जैसे हमारे पास ये एंड सो ऑन एक्स एन की मीन कितना है हमारा एक्स मीन, और अगर हम इसे किसी सेम क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं ए एक्स टू द पावर ए एंड सो ऑन एक्स एन टू पावर ए, तो आप क्या कर दो रिजल्टिंग मीन में ए से डिवाइड कर दो, वही सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो इन्हीं के बेसिस पर आपको क्वेश्चन करने हैं। देखते हैं क्वेश्चन, एक्सरसाइज पर चलते हैं अपनी 19A है हमारी एक्सरसाइज। तो यहाँ पर क्या रहा है कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या करना है फाइंड द मीन ऑफ दीज नंबर्स, इनका मीन फाइंड करना है। सिंपल आप मीन फाइंड कर सकते हो अगर आपके पास ये नंबर्स हैं। तो हम क्या करेंगे मीन फाइंड करने के लिए, हम क्या कर लेंगे यहाँ पर इन नंबर्स को सम करेंगे, इन सभी नंबर्स का आपको सम करना है, और फिर क्या करना है आपको, फिर क्या करना है इनको डिवाइड कर देना है किससे, जितने भी नंबर्स हो क्वान्टिटीज हैं कितने से हैं फाइव से हैं, तो आपको इसको प्लस करना फाइव से डिवाइड कर देना आंसर मिल जाएगा आपका। ऐसे ही सेकंड वाले में कह रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट सिक्स नेचुरल नंबर, फर्स्ट सिक्स नेचुरल नंबर का मीन करना है आपको। तो फर्स्ट सिक्स नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, इसको आप 6 से डिवाइड कर दो आंसर आ जाएगा आपका सिंपल। तो जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं उनको हम सम कर देते हैं और फिर उसको उसी वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। जैसे फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 ओड नेचुरल नंबर, फर्स्ट 10 ओड नेचुरल नंबर आपको क्या करना है यहाँ पर मीन फाइंड करना है। तो फर्स्ट 10 ओड नेचुरल नंबर क्या होंगे हमारे, फर्स्ट 10 ओड नेचुरल नंबर क्या होंगे, तो ओड नेचुरल नंबर होते हैं 1, 3 कितना होगा 5 और फिर कितना होगा 7, 9, 11, 13, 15 और 18 या 16, 17 और यहाँ पर कितना आएगा 19 और यहाँ पर 21, इन सभी क्वांटिटीज़ को प्लस करना है और आपको 10 से डिवाइड कर देना है, आपका आंसर मिल जाएगा सिंपल है। फाइंड द मीन ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 10, 10 के सभी फैक्टर्स का मीन फाइंड करना है आपको। तो ऑल फैक्टर्स ऑफ 10 करना है आपको, तो ऑल फैक्टर्स ऑफ 10 ले लेंगे हम। ऑल फैक्टर्स 10 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, देखो 10 का फैक्टर्स हो सकता है 1, 10 का फैक्टर हो सकता है 2, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से नहीं होगा, 5 से डिवाइड हो सकता है, 10 से डिवाइड हो सकता है, तो ये सभी इसके फैक्टर्स आ गए। अब अगर आपको इसका मीन फाइंड करना है तो सिंपल क्या करोगे आप, इनको प्लस कर दोगे, इन सभी को प्लस कर दोगे, और ये कितनी क्वांटिटीज है 4 है तो 4 से डिवाइड कर दोगे, 3, 5, 8 और 10, 18 डिवाइड बाय 4 करेंगे, 4, 4 जो 16, 2 कैरी, 4, 5 जो 20, तो 4.5 आपका सिंपल मीन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है ये कि फाइंड द मीन ऑफ दीज नंबर्स, तो इन नंबर्स का आपको मीन फाइंड करना है। सिंपल है ये भी क्वेश्चन बिल्कुल, कैसे करना होगा, इन सभी को प्लस करेंगे, इन सभी को प्लस करेंगे और फिर इन क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। तो इसका मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स प्लस 3 इसको प्लस करेंगे किसमें, एक्स प्लस 5 इसको प्लस करेंगे किसमें, एक्स प्लस सेवन फिर इसको प्लस करेंगे एक्स प्लस 9 और फिर इसको प्लस करेंगे एक्स प्लस 11। कितनी टोटल क्वांटिटीज़ कितनी है यहाँ पर, कितने टर्म्स हैं ये, तो 1, 2, 3, 4, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा हमारा, एक्स वाली वैल्यू एक साथ प्लस हो जाएंगी, 1, 2, 3, 4, 5 तो 5x हो गया, प्लस 3 और 5, 8, 8 और 7, 15, 8 और 7, 15, 15 और ये 20, ये हो जाएगा 35 डिवाइड बाय 5 कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 कॉमन आ रहा है तो हो जाएगा x प्लस 7 डिवाइड बाय 5 करेंगे, तो 5 से 5 कैंसिल, मीन आ जाएगा हमारा कितना, x प्लस 7। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है कि इफ द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एक्स आर 9.8, 5.4, 3.7, 1.7 एंड सो ऑन द मीन, आपको सबसे पहले इसका मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, सिंपल क्या करेंगे, सभी ऑब्जर्वेशन को प्लस करेंगे, सभी ऑब्जर्वेशन को क्या कर लेंगे हम, प्लस कर लेंगे, और फिर कितने जितने भी क्वांटिटीज हैं हमारी उनको टोटल नंबर को ऑब्जर्वेशन कर देंगे। तो यहाँ पर 1.7 है, 1.8 है, 2.6 है, 2.8 है, यहाँ पर 2.8.6 है, यहाँ पर 8.6, 10.5 और 11 पॉइंट क्या है हमारे पास, 11.1 है। तो यहाँ पर इसको ले लेते हैं हम कंप्लीट, 10.5 और प्लस 11.1 ये करेंगे और डिवाइड कर देंगे इसको, कितनी क्वांटिटीज़ हैं ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 10 से इसको डिवाइड कर देंगे सिंपल, इसको प्लस कर लेना है। अब आपको प्लस करेंगे और फिर क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे,
और 10 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आंसर आएगा, तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपको, तो सिंपली अब इनको हम प्लस कर लेंगे। देखो इनको प्लस करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पर 9, 5.4 और 3.7 और 1.7, 1.8, 2.6, 2.6, 2.8, 8.6, 10.5 और 11.1, इन सभी को प्लस करना है आपको। करेंगे तो 1 और 5, 6, 6, 6, 12 और 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो ये कितना हो गया देखो, 6, 6, 6, 12 और 8 करेंगे हमारा कितना हो जाएगा, 20 और 6, 26 और 8 कितना हो जाएगा हमारा, 26 और 8 हो जाएगा हमारा 34 और 7 करेंगे अगर हम, 34 ये हो गया, 34 और 7 करेंगे अगर हम, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 34 और 7 ये हो जाएगा 34 और 7, 41, 48 और 4, 52 और 8, 60 का 0 और 6 ये जाएगा 6। अब करेंगे इसको हम तो कितना आएगा, 6 और 9, 15, 15 और 5, 15 और 5, 20, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 और ये 1, 29 और 1, 30, 38 का 8 और यहाँ पर कितना 3 और ये 5, तो ये आ गया 58.0 को 10 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5.8, x की वैल्यू 5.8 आ गई। अब इसमें आप क्या फाइंड कर सकते हो, इसमें द वैल्यू ऑफ सिग्मा x माइनस क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, सिग्मा x माइनस x बार या मतलब x मीन आपको फाइंड करना है यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं हम, यहाँ पर x वाली वैल्यू ले लेते हैं, x वाली वैल्यू है यहाँ पर 9.8 है, 5.4 है, 3.7 है, 1.7 है, 1.8 है, 2.6 है हमारा, 2.8 है यहाँ पर, 2.8 है, 8.6 है और 10.5 एंड 11.1, ये सभी वैल्यूज़ दी है हमें, ये सभी वैल्यूज़ दी हैं। अब इनका अगर हम सिग्मा फाइंड करेंगे यहाँ पर, x माइनस x मीन फाइंड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, तो इनमें हम देखो यहाँ पर ले लेते हैं वैल्यू, तो x माइनस x मीन फाइंड करना है, 9.8 माइनस 5.8 करोगे तो कितना आएगा, माइनस का आएगा प्लस का आएगा, ये तो हमारा प्लस का मिलेगा, ये तो हमें प्लस का मिलेगा, तो ये मिलेगा हमें प्लस का कितना, ये मिलेगा हमें प्लस का 8 में से 8 0, 9 में से ये मिलेगा 4, फिर 5.4 माइनस 5.8 करोगे तो ये मिलेगा 0.4, वो भी माइनस का 0.4, ये माइनस का 0.4 मिलेगा क्योंकि आप इसमें से माइनस करना है, फिर 3.7 माइनस 5.8 करोगे आप तो कितना मिलेगा आपको, 5.8 माइनस 3.7 ये मिलेगा आपको 2.1, ये मिलेगा आपको कितना 2.1, ये 2.1 मिलेगा आपको कितना, किस में, प्लस में या माइनस में, ये माइनस में मिलेगा 2.1 मिलेगा, फिर 1.7 माइनस करेंगे 5.8, 1.7 माइनस करेंगे 5.8, तो यहाँ पर 5.8 माइनस 1.7 करते हैं तो कितना मिलेगा 1 और ये 4, तो मिलेगा 4.1, वो भी माइनस में 4.1। अब 1.8 माइनस करेंगे 5.8 में से तो कितना मिलेगा, 8 में से 8 0 और ये मिलेगा माइनस 4, फिर अगर हम यहाँ पर कितना करेंगे, 2.6 माइनस करेंगे 5.8 में से तो कितना मिलेगा, 5.8 माइनस 2.6 कितना मिलेगा, ये 2 और ये 3, ये मिलेगा 3.2, फिर 2.8 को माइनस करोगे आप, 2.8 को 5.8 में माइनस करोगे तो 2.8 होता अगर यहाँ पर, तो 0 यहाँ पर आता 3, माइनस 3, फिर अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, किसको माइनस कर देते हैं यहाँ पर, ये सभी वैल्यू माइनस में मिल रही हैं और 8.6 और माइनस 5.8 करते तो कितना मिलता हमें, 8.6
माइनस 5.8 करेंगे तो कितना, 16 में से 8 और यहाँ पर 7 में से ये 2, तो ये आएगा 2.8, तो ये आएगा 2.8 प्लस का 2.8 आएगा। फिर 10.5 में से आपको 5.8 माइनस करना है, 10.8 में से 10.5 में से आपको क्या माइनस करना है, 10.5 में से आपको माइनस करना है 5.8, तो 5.8 माइनस करेंगे तो ये यहाँ पर 7 या 9 में से 4 ये आएगा 4.7। फिर 11.1 में से माइनस करेंगे 5.8, तो 11.1 में से माइनस करेंगे 5.8 तो कितना मिलेगा, 11 में से 8 3, 10 में से 5 5, तो मिलेगा 5.3। अब देखो प्लस वाली वैल्यू को एक साथ प्लस कर सकते हो, देखो जैसे ही 4 से तो माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा अगर आप इनको ऐड करते हो, तो और कोई वैल्यू सेम आ रही है प्लस माइनस में, नहीं आ रही है। तो अब माइनस वाली वैल्यू को एक साथ ऐड कर लेंगे, माइनस में क्या है हमारे पास 3 है, माइनस में 3 है और माइनस में 3.2 है, 3 है और 3.2 है, माइनस 4.1 है और क्या है हमारे पास, माइनस 2.1 है और 0.4 है। इनको प्लस करो कितना आ रहा है, 4, 5, 6, 7, 8, 8 point 2 or 4, 6, 2 or 4, 6, 6 or 3, 6 or 3 कितना हो जाएगा, 9, 9 or 3, 12, तो जाएगा 12.8, माइनस में 12.8 अगर आप इनको प्लस करते हो माइनस वाली वैल्यू को, तो आएगा माइनस में 12.8, माइनस में 12.8। इनको प्लस करो क्या ये 12.8 आ रहा है, तो अगर हम 2.8, 4.7 और 5.3 को प्लस करते हैं तो कितना मिलेगा, 10, 10 और 8, 18.1, 3, 3 और 4, 7, 7 और 5, 12, तो आ गया 12.8। यस, इनको आप प्लस करोगे अगर आप, देखो ये माइनस का 12.8, ये प्लस का 12.8, ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा 0। इसीलिए सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू कितनी आती है आपकी, 0 आती है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखो एक 7th क्वेश्चन हमारा प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी हमने की थी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आ गया हमारा, मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन, मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज 32, फाइंड द रिजल्टिंग मीन इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 3। तो सिंपल आपको क्या दिया है कि अगर आपको 15 ऑब्जर्वेशन का मीन 32 दिया है और अगर आप हर एक ऑब्जर्वेशन को कितना इंक्रीज करोगे, कितना इंक्रीज करोगे, 3 इंक्रीज करोगे, तो जो न्यू मीन होगी वो किसके इक्वल होगी, जो न्यू मीन होगी वो इक्वल होगी किसके, वो इक्वल होगी कि अगर आप इसकी ओरिजिनल मीन में कितना ऐड कर दो, 3 ऐड कर दो, देखो 35 आएगा। यही तो हमने प्रॉपर्टी में किया था, अब इसका हम एप्लीकेशन कर रहे हैं। फिर इसमें सेकंड है हमारे पास कि अगर डिक्रीज 7 कर दें, तो अगर डिक्रीज 7 कर दें तो न्यू मीन क्या हो जाएगी, न्यू मीन कितना हो जाएगा, ओरिजिनल मीन में आप डिक्रीज कर दो कितना, ओरिजिनल मीन में आप डिक्रीज कर दो कितना, 32 में से 7 माइनस कर दो, तो कितना मिलेगा, 25 मिलेगा, 325 मिलेगा आपको। फिर अगर ये कह रहा है कि थर्ड में यहाँ पर आके कह रहा है कि मल्टीप्लाइड बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो न्यू मीन कितना आएगा आपका, न्यू मीन आ जाएगा हमारा कितना, न्यू मीन आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 32 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो आ जाएगा 64। फिर अगर फोर्थ कह रहा है कि डिवाइड बाय 0.5, तो न्यू मीन कितना आ जाएगा, न्यू मीन आ जाएगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, इसको हम डिवाइड कर देंगे 0.5 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, और 0.5 को नहीं सॉरी 32 को हम डिवाइड कर देंगे 0.5 से, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 आ जाएगा या फिर 10 कह सकते हो आप, तो ये हो जाएगा 5 × 10, तो ये भी कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, तो ये भी हमारा 64 हो जाएगा। अब इसमें 5 वाला पार्ट है, 5th वाले पार्ट में कह रहा है कि इंक्रीज्ड बाय 60%, तो न्यू मीन कितनी हो जाएगी, न्यू मीन भी इंक्रीज हो जाएगी 60%, तो न्यू मीन भी हमारा 60% इंक्रीज हो जाएगा, तो एक्चुअल में ये है और इसी का 60% आपको क्या करना है, इसमें ऐड करना, परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। अब आप इसको सोल्व कर लो, कैसे सोल्व कर सकते हो, ये 0 से 0 कैंसिल, 6 को इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 6 × 12 का 2 1 कैरी, 6 × 18 19 और डिवाइड बाय 10 करोगे तो आएगा 19.2 आएगा, प्लस करेंगे इसको तो ये 2.9 × 11 का 1 1 कैरी और ये आएगा 5, तो आ जाएगा 51.2 आ गया, 5.12 नहीं है 51.2 है। ओके, तो फिर इसमें 6th वाला पार्ट देखते हैं, तो 6th वाले में कह रहा है कि डिक्रीज्ड बाय 20%, तो अगर वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं हम कितना,
20%, तो न्यू मीन भी कितना डिक्रीज हो जाएगा, न्यू मीन भी डिक्रीज हो जाएगा कितना परसेंट, 20%, न्यू मीन डिक्रीज बाय 20%। तो न्यू मीन को 20% डिक्रीज करोगे तो यहाँ पर 20/100 करोगे, कैंसिल कर सकते हो, जीरो से जीरो कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 32 माइनस ये कितना हो जाएगा 64, और 10 से डिवाइड करोगे तो 6.4। अब इसमें से माइनस कर लो, 32 में से 6.4 को माइनस करोगे तो 6.4 यहाँ पर लिखा जाएगा, पॉइंट वाली वैल्यू इधर लिखते हैं हम, ठीक है, सारी पॉइंट वाली वैल्यू राइट हैंड साइड में और पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड में बिना पॉइंट वाली वैल्यू। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 में से 4 6 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 11 माइनस 6 कर देंगे तो 5 बचेगा और यहाँ पर 2, तो ये जाएगा 25.6। ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखो ये वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बहुत ध्यान से करना है इसको। देखो करना क्या है, सिंपल है बिल्कुल, कह रहा है कि द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 18। 5 नंबर्स का जो मीन दिया है आपको, 5 हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं, 5 ऑब्जर्वेशन है और उनका मीन क्या दिया है, उन सभी का मीन दिया है आपको कितना, उन सभी का मीन दिया है आपको 18 दिया है। तो इसका मीन्स यहाँ पर 5 ऑब्जर्वेशन को ऐड किया गया होगा, x1 x2 एंड सो ऑन x5, और उसको किससे डिवाइड किया गया होगा, उसको किससे डिवाइड किया गया होगा, 5 से ही डिवाइड किया होगा, तब ये हमारा 18 आया होगा। तो लेकिन अगर मैं इस 5 को इधर लेके आ जाता हूँ तो सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन कितना आ जाएगा हमारे पास, सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन आ जाएगा हमारे पास 90 आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि इफ़ वन नंबर इज़ एक्सक्लूडेड, अगर एक नंबर इसमें से एक्सक्लूड कर दिया जाए, मीन्स निकाल दिया जाए, एक नंबर इसमें से एक्सक्लूड कर दिया जाए, द मीन ऑफ द रिमेनिंग नंबर बिकम 16। तो एक नंबर अगर इसमें से एक्सक्लूडेड कर दिया जाए तो मीन कितना होगा, न्यू मीन कितना होगा हमारा, न्यू मीन कितना होगा हमारा 16 होगा। कब, जब इसमें से एक नंबर हमने निकाल दिया है, तो लेट कर लेते हैं, अब इसमें कितने नंबर बचे हैं सिर्फ, अब इसमें कितने नंबर बचे हैं, अब इसमें सिर्फ 4 नंबर्स बचे हैं, अब इसमें सिर्फ 4 नंबर्स बचे हैं। तो इन 4 नंबर्स का आप क्या कर लोगे, इन 4 नंबर्स के सम को अगर हमने 4 से ही डिवाइड किया होगा तब ये 16 आया होगा, तभी ऐसी तो मीन फाइंड करते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसको अगर हम सम को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड करेंगे तब ये 16 आया होगा। तो इसका मीन्स है कि x1 x2 x3 x4 का सम कितना होगा हमारा, 16 4 जा 64। तो ये 4 ऑब्जर्वेशन का सम है, ये 5 ऑब्जर्वेशन का सम है। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर आप देखते हो, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में से इसको माइनस कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमें, सेकंड इक्वेशन माइनस कर देते हैं तो देखो x1 x2 x3 x4 एंड x5 इक्वल्स टू कितना है, 90 है। इसमें से हम माइनस कर रहे हैं किसको, x1 x2 x3 x4, ये इसकी सम है कितना हमारा 64, इनको आप कर रहे हो माइनस, तो माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे सभी, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये x5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो इनको माइनस करके आएगी, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पर 8 में 6 गया 2। इसका मीन्स वो जो आपका नंबर था जो आपने एक्सक्लूड किया वो 26 था, हमने x5 की वैल्यू ही फाइंड कर ली है। तो यही हमें करना था इसमें, तो हमें एक्सक्लूडेड नंबर बताना था इसमें, तो एक्सक्लूडेड नंबर क्या होगा हमारे पास, एक्सक्लूडेड नंबर होगा हमारे पास 26। तो ये नंबर हमें बताना था, तो सिंपल करना है बस आपको, जैसे इसने इनिशियल में हमें क्या दिया था 18, यहाँ पर 5 ऑब्जर्वेशन का मीन दिया था 18, तो 5 ऑब्जर्वेशन मतलब 5 ऑब्जर्वेशन को अगर आप ऐड करोगे और उसे 5 से ही डिवाइड करोगे तभी तो वो 18 आएगा। तो फिर हमने इनका सम फाइंड कर लिया, ऐसे ही वो कह रहा है कि एक नंबर हटा दिया, अब इनका जो नया मीन है वो 16 हो गया, तो हमने भी इसमें से एक नंबर हटा दिया, मान लेते हमने x5 हटा दिया, तो 4 ऑब्जर्वेशन का सम अपॉन 4 करेंगे तभी तो ये 16 आया होगा। तो यहाँ पर 4 ऑब्जर्वेशन का सम आ जाएगा 64। अब इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये x5 की वैल्यू 26 आ जाएगी। तो ये करना है आपको क्वेश्चन नंबर 8 में, ओके। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि हमारे पास अगर क्या है, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि हमारे पास क्या है, x1 x2 x3 x4 प्लस x5 का सम कितना है, 90 है। अब आप इस वाली वैल्यू
कि मतलब इस वाली वैल्यू, ये जो हमारी वैल्यू, इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो आप सेकंड इक्वेशन से कितनी 64। इस वाली वैल्यू की हम वैल्यू पुट कर सकते हैं 64, तो हमारा बचेगा x5, तो x5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 माइनस 64। ऐसे भी रख सकते हो आप, तो 90 माइनस 64 करोगे तो x5 कितना आ जाएगा, ये 26। ऐसे भी कर सकते हो आप, अगर आप ऐसे माइनस करके नहीं दिखाना चाह रहे हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आप इसमें लिख देना यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कर देंगे हम, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड लिख सकते हो। तो ये सिंपल करना है आपको इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8th हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th है हमारे पास। देखो क्वेश्चन नंबर 9th में कह रहा है कि इफ द मीन ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन, आपको कुछ ऑब्जर्वेशन दिया है, उनका मीन आपको दिया है यहाँ पर कितना 11। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या क्या है, वो है एक्स, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस सिक्स और एक्स प्लस एट। तो अगर आपके पास ये ऑब्जर्वेशन है तो ये कितनी ऑब्जर्वेशन हो गई हमारी, ये हो गई 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 5 से डिवाइड करेंगे इक्वल्स टू 11 रख देंगे, ये आ जाएगा इधर। अब इनको ऐड कर लेंगे, तो इसको ऐड करेंगे एक्स एक्स एक्स, ये 5x प्लस 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर अब क्या फाइंड कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो 20 उधर लेके आएंगे, माइनस हो जाएगा, 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। सिंपल है बिल्कुल, 7 फाइंड हो जाएगा हमारा। अब हमें इसमें आगे क्या करना है, कह रहा है कि द मीन ऑफ द फर्स्ट थ्री ऑब्जर्वेशन, तो आपको मीन ऑफ फर्स्ट थ्री ऑब्जर्वेशन बताना है। तो फर्स्ट थ्री ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स, एक्स प्लस टू एंड एक्स प्लस फोर, ये है। तो इनकी एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 7 प्लस 2 कितनी 9, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 7 प्लस 4, 7 प्लस 4 कितनी हो जाएगी यहाँ पर हमारी वैल्यू 11। तो यहाँ पर हो जाएगी ये 11। अब इसका मीन अगर हम फाइंड करें तो कितना आएगा, 7 प्लस 9 प्लस 11 करेंगे डिवाइड बाय कितना करेंगे 3, तो कितना आएगा ये 9 और 20 27 डिवाइड बाय 3 और ये आ जाएगा 9। ये सिंपल करना था आपको क्वेश्चन नंबर 9th में, ये सिंपल क्वेश्चन नंबर 9th में करना था आपको। करेंगे क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखो क्या रहा है कि इसमें द मीन ऑफ द 100 ऑब्जर्वेशन इज 40। 100 ऑब्जर्वेशन का जो मीन गिवन किया है हमें वो कितना दिया है 40। तो ये मीन कितना दिया है 100 का, कितना दिया है 40 दिया है। कितने ऑब्जर्वेशन का, 100 ऑब्जर्वेशन का। मीन्स अगर आपने यहाँ पर 100 ऑब्जर्वेशन को क्या किया गया होगा, ऐड किया होगा और उसको 100 से डिवाइड किया होगा, तब इसका आंसर कितना आया होगा 40 आया होगा। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि यहाँ पर कितना होगा, 100 ऑब्जर्वेशन का सम किसके इक्वल होगा, 100 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स 100 ऑब्जर्वेशन का सम कितना आएगा 4000 आएगा। लेकिन ये कह रहा है कि इट इज़ फाउंड दैट द ऑब्जर्वेशन 53 एज वॉज मिसरीड एज 83। मतलब इसमें लेना तो हमें एक नंबर था क्या 53, लेकिन हमने क्या ले लिया 83 ले लिया। तो मतलब यहाँ पर क्या है, एक वैल्यू को हम क्या देते हैं, एक वैल्यू को क्या नाम दे देते हैं हम, यहाँ पर इस वाली वैल्यू को हम क्या देते हैं 83 दे देते हैं, इसको हम 83 बोल देते हैं। तो कह रहा है कि जब 83 लिया तब तो इसका सम ये आया, लेकिन ये कह रहा है कि अगर हम इसे करेक्ट लें, वैसे हमें 53 लेना था, अगर हम इसकी जगह 53 लें, अगर हम इसकी जगह 53 लें तो इसका करेक्ट मीन क्या होगा। तो इसमें ये कह रहा है कि बताओ, तो इसमें अगर मैं 53 लूँ तो कितना माइनस करूँगा, 83 में से कितना माइनस करूँगा कि 53 हो जाएगा, तो इसमें से मैं माइनस करूँगा 30। तो 30 इधर माइनस करूँगा क्योंकि ये हमारा 100 ऑब्जर्वेशन का सम है, इधर माइनस करूँगा 30 तो इधर भी माइनस करना पड़ेगा, तभी तो ये इक्वल आएगा हमारा, तभी तो ये इक्वल आएगा सम, क्योंकि ये किसके इक्वल है 4000 के इक्वल है। तो ये इसमें से अगर मैंने 30 माइनस किया है, इस पूरे में से अगर मैंने 30 माइनस किया है तो इसमें से भी तो 30 माइनस करना होगा। तो अब ये कितना हो जाएगा, अब ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा सम ऑफ, यहाँ पर 53 ले लिया है हमने, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, 10 में यहाँ पर आएगा 10 में से 3 7, ये 9 और ये 3, तो ये आ जाएगा इनका सम। तो अगर हमें इसका मीन फाइंड करना है, तो न्यू मीन अगर हमें फाइंड करना है, या फिर ओरिजिनल मीन कह सकते हो आप, ओरिजिनल मीन अगर आपको फाइंड करना है, तो ओरिजिनल मीन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ओरिजिनल मीन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी ऑब्जर्वेशन का सम लेना है। इन सभी ऑब्जर्वेशन का सम कितना होगा 3970, और किससे डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 100 ऑब्जर्वेशन है, तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा 39.7। बिल्कुल सिंपल है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, तो ऐसे ही कर लेना है आपको क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं।
फाइंड द मीन ऑफ द 75 नंबर्स इफ द मीन ऑफ 45 ऑफ देम इज 18 एंड द मीन ऑफ द रिमेनिंग वन इज 13। ये कह रहा है कि 75 नंबर्स का मीन फाइंड करो, 75 नंबर्स का मीन फाइंड करो। अगर उनमें से स्टार्टिंग के 45 का सम, स्टार्टिंग के 45 का मीन कितना आ रहा होगा, स्टार्टिंग के 45 का मीन कितना आ रहा है, कैसे करेंगे मीन फाइंड, हम 45 ऑब्जर्वेशन लेंगे अपॉन डिवाइड बाय 45। तो ये कितना आ रहा होगा हमारा, ये कितना आ रहा है हमारा 18 आ रहा है। तो इनका सम फाइंड कर सकते हैं हम, यस इनका सम फाइंड कर सकते हैं। तो इनका सम कितना हो जाएगा, 40 ऑब्जर्वेशन का सम हो जाएगा हमारे पास कितना, 45 इंटू 18। तो यहाँ पर 45 इंटू 18 हो जाएगा, तो इनका सम हम फाइंड कर लेंगे यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 45 इंटू 18 करेंगे तो कितना आएगा, 8 5 40 8 4 32 32 और 4 कितना आएगा 36 आएगा। और यहाँ पर कितना मिलेगा आपको, 5 4 4, ये मिलेगा 0 11 ये 8, तो मिलेगा आपको 810 आपका ये आ गया 45 ऑब्जर्वेशन का सम। और नेक्स्ट जो रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन है एंड द मीन ऑफ द रिमेनिंग वंस इज 13, और रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन क्या होंगे हमारी 46 से कितनी, 46 47, और ये कहाँ तक जाएंगे हमारी, ये जाएंगे हमारी कितनी, 75 तक। इनका सम हमें दिया है, अब बताओ कि ये वाली ऑब्जर्वेशन काउंटिंग में कितनी होंगी। अगर ये टोटल 75 है, स्टार्टिंग के 45 यहाँ लिए हम, तो लास्ट में कितनी बचेंगी हमारे पास, 30 तो बचेंगी, 30 और 45 तभी तो 75 होगा। तो ये 30 ऑब्जर्वेशन है, इसलिए हम इसको 30 से डिवाइड करेंगे, इसलिए इसको हम किससे करेंगे, 30 से डिवाइड करेंगे। तो ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई, और यहाँ पर इसको इक्वेशन देंगे, यहाँ पर कितना है, 13 आ रहा है, तो यहाँ पर इसको कर लेंगे। तो इन ऑब्जर्वेशन का जो रिमेनिंग 30 ऑब्जर्वेशन है उनका सम कितना आ जाएगा, उन सभी का सम कितना आ जाएगा, 13 इंटू 30 कितना आएगा, 13 इंटू 30 ये आएगा 390। ये इक्वेशन सेकंड दे देते हैं इसको हम। अब अगर हम इसमें कहते हैं क्या कि मीन अगर आपको फाइंड करना है, तो मीन ऑफ 75 ऑब्जर्वेशन किसके इक्वल होगा, मीन ऑफ 75 ऑब्जर्वेशन होगा सम ऑफ 45 ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ 45 ऑब्जर्वेशन प्लस नेक्स्ट 30 ऑब्जर्वेशन 46 से लेकर 75 तक, और डिवाइडेड बाय 75, क्योंकि टोटल ऑब्जर्वेशन 75 हो गई है हमारी। 45 ऑब्जर्वेशन का सम यहाँ से ले लेंगे हम 810, रिमेनिंग जो 30 होंगी हमारी उनका रेशियो हम यहाँ से लेंगे, उनका सम हम यहाँ से लेंगे 390, और डिवाइड बाय 75 करेंगे इसको अगर हम, तो 810 को अगर हम करेंगे 390 से प्लस, तो कितना आएगा 001, और ये कितना आएगा 1200, ये 1200 आ गया, ये आ गया 75। 5 से कैंसिल कर लेते हैं, तो 5 से कैंसिल करोगे तो आएगा 5 2 10, 5 4 20, 0 5 1 5, 5 5 25। 15 से कैंसिल हो रहा है, नहीं तो 5 से कर लेते हैं दोबारा से, 5 से दोबारा कैंसिल करेंगे तो 5 4 20, 5 8 40, और 5 3 15, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 1 3, 3 6 18। तो यहाँ पर 75 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो सिंपल है क्वेश्चन बिल्कुल, तो ऐसे हम क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे यहाँ पर 12 कर सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 हो जाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, कह रहा है कि द मीन वेट ऑफ 120 स्टूडेंट्स का जो मीन वेट है, मीन वेट ऑफ 120 स्टूडेंट है कितना दे रखा है आपको, 52.75 kg। तो इसका मीन्स इसको कैसे निकाला गया होगा कि जब हमने 120 ऑब्जर्वेशन को 120 से ही डिवाइड किया होगा, इनके सम को 120 से डिवाइड किया होगा, तब ये 50.75 आया होगा हमारा। तो इसका मीन्स इन सभी का अगर हम सम फाइंड करें x1 x2 and so on x 120, तो कितना आएगा ये 52.75 और इंटू में 120। अब इसको करेंगे हम, पॉइंट डालेंगे नीचे, 100 0 से 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई करते हैं 5 2 7 5 को किससे, 12 से, कितना आएगा 2 5 10, 1 carry 5 2 5 2 7 14, और 1 15 5, 1 carry 2 2 4, और 1 5 2 5 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 7 2 और 5 से आएगा 0 10 5 और 5 10 0, ये 5 और 12 और 1 13 1, और फिर ये 3 और 6,
तो ये आ जाएगा हमारा 6330 और एक और जीरो है डिवाइड बाय जीरो है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मीन्स है कि हमारे पास सम ऑफ 120 ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, सम ऑफ 120 ऑब्जर्वेशन इक्वल आ जाएगा किसके, ये इक्वल आ जाएगा हमारा 6330 के। ये हो गया हमारा। अब अगर हम क्या करते हैं इसमें, अब ये कह रहा है कि इफ़ द मीन ऑफ द 50 ऑफ देम, उनमें से 50, उनमें से फर्स्ट 50 का मीन कितना दे रखा है, फर्स्ट 50 का मीन दे रखा है 51। तो इसका मीन्स यहाँ पर भी अगर हमने 50 ऑब्जर्वेशन का सम किया होगा तभी ये हमारा, और हमने इसको 50 से ही डिवाइड किया होगा, इससे हमने 50 से डिवाइड किया होगा तब ये हमारा क्या आ रहा होगा, हमारा 50 ऑब्जर्वेशन का सम आएगा। तो कैसे आएगा 50 ऑब्जर्वेशन का सम, अगर हम इस 50 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं 51 इंटू 50, तो कितना आ जाएगा ये 5 और 5 से 25 और ये जाएगा 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को देखो, इन दोनों इक्वेशंस को देखो अगर आप, इसमें से अगर हम 50 को माइनस कर देंगे, और ये यही बोल रहा है कि फाइंड द मीन वेट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट, और रिमेनिंग स्टूडेंट जो बचते हैं उनका मीन निकालना है। तो स्टार्टिंग के 50 का तो है हमारे पास, लास्ट के जो 70 बचते हैं उनका भी मीन निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर कर सकते हो आप x1 x2 एंड सो ऑन x50, फिर इसके बाद x51 शुरू होगा, फिर x52 शुरू होगा इस तरीके से, और यहाँ पर एंड सो ऑन कितने जाएगा x120 जाएगा, और इनका मीन दे रखा है हमें कितना, इनका सम हमने फाइंड कर लिया है 6330। अब इनका सम हमारे पास है, इनका सम हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे कैसे, इसकी प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं यहाँ पर 2550 प्लस रिमेनिंग हमारे क्या बच जाएंगे 51 52 एंड सो ऑन कितना x120। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6330 हो जाएगा। अब इसको हम माइनस कर देंगे इधर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x51 x52 52 एंड x120, इनका सम कितना जाएगा अगर हम 6330 में से कितना माइनस कर देते हैं 2550 माइनस कर देते हो, तो 6330 में से क्या माइनस कर देते हो 2550, तो ये 0, ये 8, यहाँ पर 12 में से 5 7 और यहाँ पर 3, तो ये आ जाएगा 378, तो ये आ जाएगा हमारा 3780। ये आ गया सम ऑफ जो रिमेनिंग हमारी ऑब्जर्वेशन है, रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन कितनी होगी टोटल 120 है, 50 हमने हटा दी इसमें से, तो कितनी बची 70 ऑब्जर्वेशन बची ना, तो सम ऑफ नेक्स्ट रिमेनिंग 70 का हम क्या निकालेंगे, मीन कैसे निकालेंगे, इन सभी को सम करेंगे, इन सभी का सम लेंगे, इन 70 ऑब्जर्वेशन का सम लेंगे और डिवाइड बाय 70 कर देंगे, क्योंकि ये जो 51 से 120 तक है 70 ऑब्जर्वेशन है, इसलिए हम इसको 70 से डिवाइड कर रहे हैं। 75 सा कितना हो जाएगा 35, 2 कैरी 74 जा 28, तो ये आ जाएगा नेक्स्ट जो रिमेनिंग हमारी रिमेनिंग जो हमारे पास बचते हैं, रिमेनिंग हमारे पास जो नंबर्स बचते हैं उन सभी का क्या जाएगा ये एवरेज आ जाएगा। तो ये करना था आपको क्वेश्चन नंबर 13 में, सिंपल है बिल्कुल। स्टेप वाइज हमने क्या किया, सबसे पहले 120 स्टूडेंट्स का मीन दिया था, उनका सम फाइंड किया, फिर 50 स्टूडेंट का वेट था उनका मीन दिया था 51, तो उनका सम फाइंड किया हमने। अब उसमें से हमने 120 में से हमने 50 को माइनस कर दिया, ये 50 वाले माइनस कर दिए, तो बचेंगे रिमेनिंग, रिमेनिंग कितने बचेंगे 70, उन 70 का हमने मीन फाइंड कर दिया, बिल्कुल सिंपल है। करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बोल रहा है कि द मीन मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन एग्जामिनेशन आर 70 एंड 73, बॉयज के मीन मार्क्स कितने 70 और गर्ल्स के 73 रेस्पेक्टिवली। इफ द मीन मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट, अगर ऑल स्टूडेंट्स का मीन मार्क्स 71 है तो फाइंड करना हमें रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। अब देखो हमारे पास यहाँ नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स नहीं है, तो हम लेट कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं हमारे पास बी एक्स, नंबर ऑफ बॉयज भी एक्स लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स हम लेट कर लेते हैं वाई बी वाई। अब ये कह रहा है कि द मीन मार्क्स ऑफ नंबर ऑफ बॉयज कितना दिया है आपको 70, इसका मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज को ऐड किया गया होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज का ऐड किया गया होगा, यहाँ पर सभी जितने भी मार्क्स आए होंगे उन सभी को ऐड किया गया होगा और यहाँ पर डिवाइड किया गया होगा नंबर ऑफ बॉयज से, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ बॉयज हैं एक्स से, तो हमारा कितना आया होगा यहाँ पर, हमारा कितना आएगा आया होगा, ये आया होगा हमारा 70, तो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज़, तो
तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज़ का सम कितना आया होगा, मार्क्स का सम, नंबर ऑफ बॉयज़ के मार्क्स का सम हमारा कितना आया होगा 70, इस टाइप से देख सकते हैं। तो ये सभी इसके मार्क्स हैं और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हैं तो उनका कितना आया होगा यहाँ पर, तो इन सभी का सम कितना आया होगा 70x। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेंगे। ऐसे ही हम सेकंड इक्वेशन बना सकते हैं, ये कह रहा है कि मीन मार्क्स ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 73, मीन मार्क्स ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 73 है। तो यहाँ पर भी अगर आप इसको इसके मार्क्स के सम को, गर्ल्स के मार्क्स के सम को नंबर ऑफ गर्ल्स से डिवाइड कर दोगे, मीन्स वाई से डिवाइड कर दोगे, तो ये मीन आया होगा। तो इसका मीन्स नंबर ऑफ मार्क्स का सम कितना आ रहा होगा, नंबर ऑफ मार्क्स का सम आ रहा होगा 73y। ये दोनों इक्वेशन है। ये कह रहा है कि इफ़ ऑल द स्टूडेंट्स, द मीन मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट इज 71, सभी मार्क्स मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स के मार्क्स का जो मीन है वो कितना आ रहा होगा, वो कितना आ रहा है 71 आ रहा है। तो नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स से, नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स से। ये सम है, यहाँ पर आपको सम लेना है, ठीक है, यहाँ पर आपको सम लेना है, क्योंकि बॉयज़ के मार्क्स का सम, गर्ल्स के मार्क्स का सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज़ कितना आ रहा होगा 71 आया होगा। तो यहाँ पर सिग्मा बी की वैल्यू हमने फाइंड की है 70x और प्लस यहाँ पर सिग्मा जी की वैल्यू हमने कितनी की है 73y की है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये एक्स प्लस वाई हो जाएगा इक्वल्स टू 71। अब यहाँ पर हम इसको सोल्व कर सकते हैं, 70x प्लस 73y इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई को इधर प्लस कर लेंगे तो कितना आएगा, ये 70x प्लस 73y इक्वल्स टू 71x प्लस 71y। माइनस करेंगे, देखो ये 71 इधर आएगा, अगर हम 70x माइनस 71x 71y माइनस 73y, वाई वाली वैल्यू इधर कर ली, x वाली इधर, तो आएगा माइनस x और ये जाएगा माइनस 2y। माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, x अपॉन वाई की वैल्यू हो जाएगी 2:1। तो ये आ गया हमारा नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशो। तो सिंपल आपको यहाँ पर बस इस वाली बात पर ध्यान देना है कि नंबर ऑफ बॉयज़ के मार्क्स का जो मीन है वो 70 दिया है। तो मीन कैसे निकाला गया होगा, जितने भी बॉयज़ के मार्क्स हैं उन सभी को सम किया होगा और नंबर ऑफ बॉयज़ से डिवाइड किया होगा, तभी इसका मीन फाइंड किया होगा। तो नंबर ऑफ बॉयज़ के मार्क्स का सम हमारे पास कितना आ गया, 70x आ गया। ऐसे हमने गर्ल्स के मार्क्स का सम फाइंड किया 73x, और जब मीन फाइंड किया होगा इनके मार्क्स का, वो कैसे किया होगा, दोनों के मार्क्स, गर्ल्स और बॉयज़ के मार्क्स का सम लिया होगा और उसको डिवाइड किया होगा नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स से, इजिकल्स टू 70 बनाएगा गिवन किया इसने, इसको सोल्व किया तो सिंपल हमारा क्या आ गया, ये सिंपल हमारा रेशो आ गया किसका, बॉयज़ और गर्ल्स के मार्क्स का, बॉयज़ और गर्ल्स के नंबर्स का रेशो है, मार्क्स का नहीं नंबर्स का, क्योंकि नंबर एक्स और वाई हमने क्या लिए, नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर करेंगे हम इसमें 15। क्वेश्चन नंबर 15 तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड एक्स इफ 9x 14 18 एक्स एक्स 8 10 एंड 4 हैव अ मीन 11। अगर इन सभी का मीन कितना है हमारे पास, 11 है, तो यहाँ पर कर लेंगे 9 प्लस एक्स प्लस 14 प्लस 18 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 8 प्लस 10 और प्लस 4, कितने नंबर्स हो गए, कितनी ऑब्जर्वेशन होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑब्जर्वेशन होगी, 9 से डिवाइड कर देंगे इसको, 9 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं, अब इनको सम करेंगे हम, इसका सम फाइंड करेंगे, तो एक्स एक्स और एक्स 3x 9 और 14 कितना हो जाएगा, ये 9 और 14 हो जाएगा 23, 23 और 18, 23 और 18 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 41, 41 और 8 49, 49 और 10 59 और 4 कितना हो जाएगा, 59 और 4 हो जाएगा 53, ये हो जाएगा हमारा डिवाइड बाय 9 कर देंगे, तो यहाँ पर ये कितना हो गया हमारा 41, यहाँ पर आएगा ये, सॉरी यहाँ पर कितना आएगा, ये 63 आएगा, क्योंकि 59 और 4 करेंगे तो 63 आएगा। अब इसका मीन हमें गिवन किया है, इसीलिए तो हमसे एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है, मीन 11 गिवन किया है, तो 11 रख लेंगे डिवाइड बाय 9, 9 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 99, ये 3x प्लस 63 हो जाएगा, 63 इधर आकर माइनस हो जाएगा, 99 माइनस 63 इक्वल्स टू 3x कर लेंगे, 63 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 6 और ये 3 इक्वल्स टू 3x, 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू कितनी 12, ये हो जाएगी एक्स की वैल्यू 12। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 के देखते हैं, कह रहा है कि इन अ सीरीज ऑफ टेस्ट ए अपेयर फॉर 8 टेस्ट, ए अपेयर होता है फॉर 8 टेस्ट के, मतलब वो 8 टेस्ट दे सकता है। ईच टेस्ट वॉज मार्क आउट ऑफ 30 एंड एवरेज इज 25, जो 8 टेस्ट उसने दिए हैं, जो 8 टेस्ट उसने दिए हैं टोटल, जो 8 टेस्ट उसने दिए हैं उनमें उसका मीन मार्क्स कितना आया, एवरेज मार्क्स कितना आया, 25 आया है। और तो यहाँ पर इसको कैसे किया गया होगा, यहाँ पर इसको कैसे किया होगा, 8 मार्क्स का सम लिया गया होगा और उसमें से उसको 8 से डिवाइड किया होगा, तब ये 25 आया होगा। तो आप कह सकते हो कि इसका 8 मार्क्स, 8 जो आपके क्या थे टेस्ट थे उनमें उनका सम कितना आया होगा, 8 टेस्ट के मार्क्स का सम कितना होगा, ये होगा हमारा 8 को 25 से करेंगे तो 200, मींस उसके टोटल 8 टेस्ट में 200 मार्क्स आए थे। अब ये कह रहा है कि ए कुड ओनली फाइंड, हाउएवर व्हाइल चेकिंग हिज फाइल ए कुड फाइंड ओनली 7 ऑफ द 8 टेस्ट, जब वो चेकिंग कर रहे थे उसके टेस्ट की तो चेक होते टाइम सिर्फ उसको 7 टेस्ट मिले हैं और 7 टेस्ट के नंबर्स भी दिए हैं इसमें, फॉर दिस ही स्कोर 29, 26, 18, 20, 27, 24 एंड 29। तो यहाँ पर 8 सम दिया है, हम आपको सम दिया है 7 टेस्ट का, कितना यहाँ पर दिया है 26, 26, 29, 26, 18, 18, 20, 27, 27, 24, 29, ये दिया है। आप इनको ऐड कर सकते हो, ये 7 टेस्ट का सम होगा तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर अगर आप इसको ऐड करते हो 29, 26, आप इसको ऐसे भी ऐड कर सकते हो सिंपल 20, 20, 40, 40, 50, 50 और 20, 70, 70, 20, 90, 90 और 20, 110, 110 और 20, 130, ये 130 तो ये हो गया। अब आप इन वाली वैल्यू को ऐड कर लो, 9 और 4, 13, 13 और 7, 20, 20 और 8, 28, 28 और 6, 34, 34 और 7, 34 और 9, 34 और 9 कितना हो जाएगा हमारा 43 और ऐड कर लो तो इसका मीन्स आ जाएगा ये 773। तो ये 7 टेस्ट का सम है, ये 8 टेस्ट का सम है। तो अगर हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, 7 टेस्ट का सम इसमें से माइनस कर देते हैं, जो हमारा 1 टेस्ट हमें नहीं मिला था, जो टेस्ट हम मिसिंग हो गया था उस टेस्ट के मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्स 7 होगा तो 7 नंबर्स का सम ये दे रखा है आपको कितना 173। तो आपका जो 8th टेस्ट होगा उसके मार्क्स कितने होंगे, उसके मार्क्स हमें पता लग जाएंगे कि कितने हो जाएंगे, तो ये हम फाइंड कर सकते हैं, ये हो जाएगा 200 माइनस 173, तो ये कितना हो जाएगा 8th टेस्ट के मार्क्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पर ये हो गया 10 में से 3 7, 9 में से 2 या 7 2, तो ये हो जाएगा 27। तो उसको 8 जो टेस्ट थे उसमें कितने मार्क्स मिले हैं, 27 मार्क्स मिले हैं। ये करना था आपको क्वेश्चन नंबर 16 में, बिल्कुल ईजी है। तो आप ऐसे ही इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हो। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।